स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, द एंडोक्राइन ग्लैंड। शुरू करते हैं सबसे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला यहाँ पे प्रोग्रेस चेक में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से अप्रोप्रिएट हम लोगों को जो सबसे सटीक है उसको चूज करना है। रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी आर ब्रॉट अबाउट बाई डैश एंड सिस्टम, कि जो रेगुलेशन है एक्टिविटीज का, गतिविधियों का बॉडी के अंदर, वो ब्रॉट अबाउट किसके द्वारा लाई जाती हैं? एंड सिस्टम, डैश एंड सिस्टम, तो डैश में कौन होगा? नर्वस। नेक्स्ट है, नर्वस भी हो सकता है, डोक्राइन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है इसका फिल इन द ब्लैंक्स का। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू, हार्मोन्स डायरेक्टली कहाँ सिक्रेट होते हैं? तो ब्लड में सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट, केमिकली सम हार्मोन्स आर डैश, सम स्टेरॉइड्स डैश एंड सम आर डैश। तो इसमें क्या होगा कि केमिकली कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? एमाइंस होते हैं। नेक्स्ट है, बोथ डैश और डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा? एब्सेंस या एक्सेस? तो होगा आपका एक्सेस, एक्सेस हो या फिर डिफिशियंसी हो, या तो ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो, मतलब बैलेंस्ड रहना चाहिए। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्पेसीज यूजुअली शो डैश इन्फ्लुएंस इन अदर स्पेसीज। अगर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है एक तरह की प्रजाति में, स्पेसीज में, तो यूजुअली शो करता है प्रभाव अदर स्पेसीज में, सिमिलर या डिफरेंट तरह का, तो सिमिलर तरह का इन्फ्लुएंस पैदा करेगा, दिखाएगा। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन पर्टेनिंग टू साइट ऑफ एक्शन, तो साइट ऑफ एक्शन के लिए कौन सा है? दूसरा केमिकल नेचर, तीसरा है आपका मैनर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला देखते हैं साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन Usually far away from the source. ये जो site of action, जहाँ action होता है ना, वो उनके स्रोत से काफी दूर होता है, and that is why hormone are carried by blood. और इसीलिए जो hormone carry होता है blood के द्वारा होता है from their source to target cell. मतलब जहाँ पे ये hormone secrete हो रहा है, usually इसका action वहाँ नहीं होना है, कहीं और होना है, तो वो blood के through transport होता है. Second, chemical nature. तो chemical nature की बात करें तो कुछ hormones जो है chemically steroids होते हैं, steroids, कुछ एमाइंस होते हैं और कुछ पेप्टाइड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन एज हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन है, फिर उसके बाद स्टेरॉइड एज हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, और तीसरा है एमाइंस एज हार्मोन्स में का एग्जांपल है एड्रेनलाइन। लास्ट वाला है मैनर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द एंडोक्राइन ग्लैंड बींग डक्टलेस सीक्रेट्स द हार्मोन डायरेक्टली इन टू द ब्लड विच देन ट्रांसपोर्ट द हार्मोन टू गेट टू इट्स टारगेटेड सेल्स एंड ऑर्गेन्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये तो पहले में ही हम लोगों ने देखा कि ये जो है ब्लड के थ्रू जो है कि ट्रांसपोर्ट होता है सोर्स से अपने, और फिर टारगेटेड जहाँ पे जरूरत होती है सेल्स को, ऑर्गेन्स को पहुँचता है। प्रोग्रेस चेक सेकेंड है कि मेंशन द टाइप्स ऑफ सेल ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरेन एंड द नेम ऑफ द हार्मोन दे सिक्रेट। तो तीन तरह के सेल्स आपको बताने हैं, तो वो कौन कौन सा है? ग्लूकेजन है, इंसुलिन है और सोमेस्टोस्टेटिन है। नेक्स्ट है, मेंशन द टू प्रिंसिपल वेज इन विच इंसुलिन एक्ट। दो तरीके बताने हैं कि जिस तरीके से जो है कि जिसमें कि इंसुलिन एक्ट करता है, ये करता क्या है? इट कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज, ये ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है एंड स्टोर देम इन लीवर एंड मसल, और उसको लीवर और मसल में स्टोर कर देता है। इंसुलिन प्रमोट करता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाई ब्लड से, बाई बॉडी सेल। ये इंसुलिन क्या करता है? प्रमोट करता है ग्लूकोज का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा, बॉडी सेल्स के द्वारा। नेम द फॉलोइंग कंडीशन, पैसेज ऑफ मच ग्लूकोज इन यूरिन। अगर ज्यादा ग्लूकोज पास हो रहा है यूरिन में, इट मीन्स डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट है, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन मेक्स द डायबिटिक पेशेंट अनकॉन्सियस, कि जो ओवरडोज है इंसुलिन का वो इंसान को, डायबिटिक पेशेंट को अनकॉन्शियस बता देता, कर देता है, दैट इज इंसुलिन शॉक। लिस्ट एनी थ्री सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस, तीन सिम्टम बताने हैं डायबिटीज मेलिटस के। तो पहला है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड,
कि ब्लड के अंदर क्या हो जाए, हाई कंसंट्रेशन हो जाए, ज्यादा शुगर की मात्रा हो जाए. यूरिन लोडेड विथ शुगर इज एक्सक्रीटेड, कि यूरिन में क्या आने लगे, सिक्रीट होने लगे, शुगर निकल आने लगे. थर्स्टी फीलिंग ड्यू टू फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड लॉस ऑफ वेट, आपको क्या हो, थर्स्टी फीलिंग हो, मतलब कि आपको प्यास लगे ड्यू टू फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब करने की वजह से, और बॉडी के वेट में लॉस भी हो. नेक्स्ट है, नेम द टू कैटेगरीज ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स हैं. तो ये तीन तरह का मेनली स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दो कैटेगरी बतानी है. तो ये प्रोड्यूस करता है तीन तरह के स्टेरॉयड हार्मोन. एक है आपका कॉर्टिसोइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिसाइड्स, और तीसरा है आपका एंड्रोजन. ये तीन है, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकती है, पहली बार मैं भी नाम सुन रहा हूँ. लिस्ट एनी टू इफेक्ट ऑफ एड्रेनालाइन, दो प्रभाव बताने हैं एड्रेनालाइन के. तो करता क्या है, इंक्रीज इन हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, कॉजिंग इट टू सेंड मोर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू मसल्स, लीडिंग टू थम्पिंग ऑफ हार्ट. अब इसकी वजह से होगा क्या, ये क्या कर रहा है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है मसल्स को सेंड कर देगा. कॉन्स्ट्रिक्ट द आर्टेरियोल्स, ये आर्टेरियोल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सो दैट ब्लड गोज लेस टू द स्किन, ताकि ब्लड जो है स्किन में कम जाए एंड मोर द मसल, और ज्यादा जाए मसल को, लीविंग द पर्सन पेल, और इंसान का रंग कैसा हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा, पेल हो जाएगा. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, थायराइड इज लोकेटेड क्लोज टू लैरिंग्स. नेक्स्ट है आपका क्रेटिनिज्म इज कॉज ड्यू टू डैश ऑफ थायरोक्सिन, किसकी वजह से होता है, अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से जो है कि क्रेटिनिज्म हो जाता है. ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज, ओवर सिक्रीशन से क्या होता है, सिंपल गोइटर होता है या एक्सोथैल्मिक गोइटर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सोथैल्मिक गोइटर होता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से, जब ज्यादा सिक्रीट होता है थायरोक्सिन. द कंडीशन शोइंग स्वेलिंग इन फेस एंड हैंड एंड स्लगिशनेस ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं. अब देखो, ऐसा कंडीशन जिसमें कि सूज जाता है आपका चेहरा वगैरह, हाथ वगैरह, है ना, किसके वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से. तो ये होता है आपका मिक्सोइडिमा की वजह से. हार्मोन कंसर्न्ड विथ फेसिंग डेंजर्स, कौन सा हार्मोन कंसर्न्ड होता है फेसिंग डेंजर्स से, थायरोक्साइड है, कॉर्टिसिन है, एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन. कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर द टू रीजन ऑफ, ये दोनों रीजन कहाँ के हैं, ये दोनों रीजन एड्रेनल के हैं. वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन इज, एक इफेक्ट क्या होता है अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है एड्रेनालाइन का, तो आपको क्या होगा, ड्राई माउथ लगेगा. नेक्स्ट है प्रोग्रेस चेक 4, मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट वर्ड, तो बताना है कि सही है या गलत है, अगर गलत है तो रीराइट करना है. पहला है पिट्यूटरी इज ऑफ द साइज ऑफ अ लेमन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है, एक लेमन नींबू के साइज का है, तो फॉल्स ये जो है पी के साइज का है, मटर के दाने का साइज का है. इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन विच हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ अ मिड ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के नीचे लटका हुआ है, हैंग है फ्रॉम द बेस ऑफ मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस के नीचे. तो इसकी साइज कैसी है, लेमन के साइज का नहीं है, ये पी के साइज का है. नेक्स्ट, पिट्यूटरी हैज थ्री लोब्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट, क्या पिट्यूटरी के पास तीन लोब है, तो नहीं, फॉल्स है. इसके पास दो डिस्टिंक्ट लोब्स हैं, एक है एंटीरियर और एक पोस्टीरियर ह्यूमंस में. जो इंटरमीडिएटरी लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये जो है कि लोअर ग्रुप एनिमल्स में देखा जाता है, लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो ये एबसेंट होता है, तो ये भी सेकेंड भी फॉल्स हो गया. थर्ड है ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज जिजेंटिज्म, ज्यादा सिक्रेशन अगर हुआ ग्रोथ हार्मोन का तो इससे जिजेंटिज्म आता है, यानी इंसान काफी साइज बढ़ जाता है उसका. तो फॉल्स है, ओवर सिक्रेशन की वजह से ये एक्रोमेगली होता है. एक्रोमेगली अब होता क्या है वो जानने की जरूरत है, कि एक्रोमेगली एक कंडीशन होता है वेयर देयर इज एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स, जो हड्डियां है ना ज्यादा ग्रो कर जाती हैं, जॉज वगैरह, हैंड्स वगैरह और फीट वगैरह. अ पर्सन डेवलप्स अ लार्ज नोज एंड थिक लिप्स, और उसके जो है कि नाक बड़ी हो जाती है और होंठ मोटे हो जाते हैं, है ना. ऐसा नहीं कि मतलब जिजांटिज्म मतलब कि खली जैसा हो जाएगा बड़ा सा.
नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब कंट्रोल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूबुल्स। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि जो वैसोप्रेसिन है जो सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लोब के द्वारा, एंटीरियर के द्वारा नहीं पोस्टीरियर लोब के द्वारा, वो कंट्रोल करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूबुल्स। यहाँ पे एंटीरियर लोब दिया है बल्कि होता कहाँ से है, पोस्टीरियर लोब से। डिफिशियंसी ऑफ वैसोप्रेसिन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, कि डिफिशियंसी होती है, अगर कमी होती है वैसोप्रेसिन की तो क्या होता है उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्वेश्चन नंबर टू है राइट फुल फॉर्म ऑफ TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH का मतलब है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और EDH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री कि व्हाट कॉजेज द फॉलोइंग एक्रोमेगली, ये भी हम लोगों ने देखा ट्रू फॉल्स में। एक्रोमेगली इज कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग आवर एडल्टहुड, कि एडल्टहुड पे क्या होता है, वयस्क होने पे जो है कि इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, और ये कंडीशन लीड करता है एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स, हड्डियां वगैरह ज्यादा बढ़ती हैं फेस वगैरह पे, हैंड्स और फीट की, एंड डेवलप होता है एक लार्ज नोज एंड थिक लिप्स। दूसरा है आपका डायबिटीज इंसिपिडस, ये किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूएटरी कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। अंडर सिक्रेशन अगर हो रहा है ADH का फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूएटरी, डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन यानी कि ये जो ADH लिखा है ADH, इसकी वजह से क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इन विच इसमें होता क्या, यूरिनेशन इज फ्रिक्वेंट, ज्यादा बार पेशाब लगेगी, एंड कॉपियस रिजल्टिंग इन एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड एब्सेंस। अब यहाँ पे क्या होगा कि इससे जो है ना कि बॉडी से जो है कि ज्यादा वाटर का लॉस होगा। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन फील्स थर्स्टी, और जिस इंसान को ऐसा मतलब इस कंडीशन में जिस होगा, इस अवस्था में इंसान को क्या होता है, ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब लगता है, और देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से जो है कि लगातार पानी लॉस होता रहता है। नेक्स्ट है अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अ ग्लैंड हैविंग एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन, तो कौन सा ग्लैंड है जिसका फंक्शन एंडोक्राइन की तरह भी है एक्सोक्राइन की तरह भी है, तो दैट इज पैनक्रियास। नेक्स्ट है कि एक्सोथैल्मिक गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ, एक्सोथैल्मिक गोइटर किसकी वजह से होता है, ये थायराइड के जो है कि ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। डिफिशियंसी ऑफ ADH कॉजेज, ये पहला ही हो जाएगा आपका, सॉरी पहला तो मेलिटस है, दूसरा हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग बी पार्ट में, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज एड्रिनलाइन। नेक्स्ट है कंडीशन कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो ओवर सिक्रेशन इंसुलिन का होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय बेटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो जो कौन सा हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बीटा सेल्स के द्वारा ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो दैट इज इंसुलिन। इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू लोब, दो लोब के बीच में जो इंटरकनेक्शन है थायराइड ग्लैंड के, उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इस्थमस। हार्मोन हुज अंडर सिक्रीशन कॉजेज मोर यूरिन फॉर्मेशन, कौन सा हार्मोन है जिसका अंडर सिक्रीशन होता है कम सिक्रीट होता है तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाता है, तो दैट इज वैसोप्रेसिन कहते हैं इसको, और ये कौन सा हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है ADH। द हार्मोन विच स्टिमुलेट द एंटायर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है पूरे के पूरे जो है कि एंटायर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो वो है आपका एड्रेनालाइन। नेक्स्ट है व्हाट वुड अ चाइल्ड सफर फ्रॉम, एक बच्चा किस चीज से सफर करेगा इफ देयर वाज हाइपोसिक्रेशन फ्रॉम हिज थायराइड, अगर बहुत ज्यादा हाइपोसिक्रेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड का चाइल्ड में, चाइल्ड विल सफर फ्रॉम क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का सिम्टम क्या है, यानी वो ज्यादा छोटा हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा एटसेट्रा, ड्वार्फिज्म और मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री है चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में से देखो कौन कौन से हैं, थायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, प्रोस्टेट, अब ये प्रोस्टेट अलग है। कंडीशन यानी क्रेटिनिज्म, मायोक्सिडेमिया, गोइटर और स्कर्वी, तो स्कर्वी देखो इन तीनों से अलग है। हार्मोन्स इंसुलिन, ग्लूकोजन, क्रेटिनिज्म, थायरोक्सिन। अब देखो क्रेटिनिज्म को हम लोगों ने देखा ना, क्रेटिनिज्म क्या है, एक अवस्था है, अभी पूछ ऊपर देखा।
हार्मोनल सोर्स की बात करें, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, कॉर्टिजोन, ये देखो अलग है, पिट्यूटरी, ये तीनों से ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये ऑड है। नेक्स्ट है मैच द आइटम ऑफ कॉलम विद वन विद दोज ऑफ कॉलम टू। तो ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंसर है। बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरोन, तो ये प्रोड्यूस करते हैं आपका इंसुलिन। थायराइड, तो एक्सोथैल्मिक गोइटर। क्रेटिनिज्म, ये अंडर सिक्रीशन है थायरोक्सिन का एक चाइल्ड के अंदर। एडिसन्स डिसीज क्या होता है, अंडर सिक्रीशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। हाइपोथायरॉयडिज्म, तो थायरोक्सिन से। मेक्सोएडेमा कंडीशन होता है ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट। एड्रेनालाइन क्या है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। कॉर्टिजोन क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कंडीशन दिया हुआ है और कॉज दिया हुआ है, तो इसको भी मैच करते हैं। ड्वार्फिज्म और मेंटल रिटार्डेशन किसकी वजह से होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की वजह से होता है, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है। शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ये होता है इंसुलिन शॉक की वजह से। और जिजेंटिज्म होता है अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन एडल्ट मेल, ये मेल के अंदर बात कर रहा है, तो ये होता है ओवर सिक्रेशन की वजह से कॉर्टिकल हार्मोन के। एक्सोथैल्मिक गोइटर, ये होता है ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से। आइडेंटिफाई द ऑड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और मेंशन करना है कि बाकी सब क्या है और वो क्यों ऑड है। लाइंस, ग्लूकोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोकैल्टिन। अब देखो ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ये हार्मोन है ना, लेकिन जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स ये साउंड बॉक्स को कहते हैं ना, वाइल द रेस्ट थ्री क्या है, ये आपके हार्मोन है। अब इसी में देखो एड्रेनालाइन है, पेनिसिलिन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है। तो यहाँ पे ये जो पेनिसिलिन है ना, ये एक एंटीबायोटिक है जो दी जाती है, और ये जो बाकी तीनों एड्रेनालाइन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ये सब हार्मोन है। स्टमक, इलियम, लीवर, एड्रेनालाइन। अब यहाँ से समझ में आता होगा ये जो एड्रेनालाइन है ये एक हार्मोन है, अब बाकी है ना, जबकि बाकी सब जो है कि स्टमक, इलियम और लीवर, ये ऑर्गेन है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब यहाँ पे देखो हार्मोन भी दिए हुए हैं, TSH, GH, ADH और इंसुलिन। अब यहाँ पे जो जो इंसुलिन है ये पैनक्रियास से ये जो है कि सिक्रीट होता है, और बाकी ये तीन के तीनों हार्मोन किससे सिक्रीट होते हैं, TCH, TSH, GH और ADH, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन, क्रेटिनिज्म, गोइटर, मैक्सोडिमा। क्रेटिनिज्म और गोइटर और मैक्सोडिमा ये तीनों आप देख रहे हो, ये सब डिफिशियंसीज की वजह से होता है, और ये थायरोक्सिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। जबकि ये आयोडीन क्या है, आयोडीन रिक्वायर होता है सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द ग्रुप ऑफ टर्म्स, इन ईच ग्रुप द फर्स्ट पेयर इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। पहला और फिर जो है चौथे प्लेस पे आपको एक जो है पार्टिकुलर उस तरीके से लगाना है जैसा पहले में रिश्ता है। तो बेटा सेल्स देखो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकोजन। चिल्ड्रन में क्रेटिनिज्म होगा, तो एडल्ट में जो है कि मैक्सोएडिमा होगा। अंडर सेक्रेशन की वजह से ड्वार्फिज्म हो रहा है, तो ओवर सेक्रेशन की वजह से जिजेंटिज्म हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस ये इंसुलिन की वजह से है, तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हो जाएगा, ADH की वजह से, ADH यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन की वजह से। सी वाला है शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे भी आपको बताना है कि मेंशन द नेम ऑफ द डिसीज बेस्ड ऑन द क्लूज, जो क्लूज दिया हुआ है उसके हिसाब से बीमारी। यूरिन इज लोडेड विथ शुगर, यानी कि पेशाब में क्या आ रहा है, शुगर आ रहा है, तो ये होता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया। स्वेलिंग इन द नेक, गर्दन जो है कि फूल जाती है, दैट इज सिंपल गोइटर। ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। आई आर प्रोट्रूडेड, तो ये होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर की वजह से। एक्सेसिव ग्रोथ, हड्डी वगैरह का बढ़ जाना फेस की, हैंड्स की, फीट की, तो इसको कहते हैं एक्रोमेगली, ये एडल्ट में होता है, और जिजेंटिज्म होता है चिल्ड्रन में। राइट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, ये सिचुएटेड होता है फ्रंट पार्ट ऑफ नेक पे, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। एड्रिनल कहाँ पे होता है, तो प्रेजेंट होता है एज अ कैप ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, किडनी के ऊपर टोपी की तरह होता है एज अ कैप। पिट्यूटरी, सॉरी पैनक्रियास, तो पैनक्रियास कहाँ होता है, बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। नेक्स्ट है पैनक्रियास हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहता है,
तो ये आपका रहता है, इट हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस के नीचे जो है कि ये आपका हैंग कर रहा होता है। नेक्स्ट है, नेम द फॉलोइंग थ्री हॉर्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम आइसलेट ऑफ लैंग्रेन ऑफ पैनक्रियास। तीन कौन कौन से हैं? एक है इंसुलिन, दूसरा ग्लूकोजन और तीसरा है सोमेटो स्टैटिन। टू टाइप्स ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन, दो कॉर्टिकल हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा है आपका मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट है, सिक्स हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। छह हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो छह हार्मोन कौन कौन से हैं? एक ग्रोथ हार्मोन है, दूसरा प्रोलैक्टिन है, फिर ACTH यानी कि एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फिर फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। टू हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से दो सिक्रेट होते हैं? तो एक है वैसोप्रेप्सिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। द इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रेनालाइन को। राइट द मेन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। ये हार्मोन्स दिए हुए, इनका मेन फंक्शन लिखना है। थायरोक्सिन रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिज्म, एड्रेनालाइन इंक्रीज करता है हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को, इंसुलिन रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकेजन ये आपका इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल, और वैसोप्रेसिन ये कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल को और रेज करता है ब्लड प्रेशर। कंस्ट्रिक्ट करना का मतलब होता है सिकुड़ना। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिवन फंक्शन। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रीन मसल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो कौन सा हार्मोन जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रीन को और यूट्रीन मसल्स को बर्थ पे, चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे? तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन। मेंटेनेंस कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटिनम का, ल्यूटियम का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मिल्क फॉर्मेशन और सिक्रीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रोलैक्टिन। डेवलपमेंट एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर का मेल के अंदर, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसका ये फंक्शन किसका है? एड्रेनालिन हार्मोन का, ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इफ यू स्टैंड टू मेक योर मैडन स्पीच बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, अगर तुम खड़े हो कोई स्पीच वगैरह देने के लिए, योर माउथ ड्राइज, अब तुम्हारा मुंह सूख जाता है एंड हार्ट रेट इंक्रीजेस, है ना, हाथ भी कांपता है, दिल धड़कता है, वॉट ब्रिंग्स अबाउट दिस चेंजेस, तो ऐसे चेंजेस क्यों आती हैं? एड्रेनालिन इज द हार्मोन विच प्रिपेयर द बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन। एड्रेनालिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो आपको तैयार करता है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है। एड्रेनालिन मेक्स द हार्ट बीट फास्टर, एड्रेनालिन ही है जो आपके दिल के धड़कन को तेज कर देता है। एट द सेम टाइम ये स्टिमुलेट करता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम में रिड्यूस हो जाती है, विच मेक्स द माउथ ड्राई, जिसकी वजह से आपको आपको माउथ भी सूखा लगता है। गिवन बिलो इज अ टेबल डिजाइन टू गिव द नेम्स ऑफ द ग्लैंड हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होता है, उनके फंक्शंस। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देख ही सकते हो कि कौन सा सोर्स ऑफ ग्लैंड है, जबकि एक हार्मोन दिया हुआ है, फिर उसका चीफ फंक्शन देना है, इफेक्ट देना है ओवर सिक्रीशन का, अंडर सिक्रीशन का। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा दे रहा है कि बेटा सेल्स ऑफ आइसलेट लैंग्रेन से क्या निकल रहा है, तो इंसुलिन। तो यहाँ पे आपको करना क्या ना, ये आपके वो सारा फिल करना है, सॉरी। तो देखो सबसे पहला जो था थायराइड, तो वो थायरोक्सिन था ना, तो थायरोक्सिन कौन सा ग्लैंड है? थायराइड। और इसका मेन फंक्शन रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिज्म को। ओवर सिक्रीशन होगा अगर इसका तो एक्सोथैलेमिक होता है गोइटर, और इंडर सिक्रीशन हो रहा है तो सिंपल गोइटर होगा या फिर क्रेटिनिज्म होगा चिल्ड्रन में, और मेक्सो एडिमा होगा एडल्ट में। वहीं बात करें तो जो ग्लैंड है बेटा सेल्स ऑफ आइसलेट, ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, ये प्रोमोट करता है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बॉडी सेल्स के द्वारा, और ओवर सिक्रीशन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जबकि अंडर सिक्रीशन की वजह से डायबिटीज मेलिटस होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, और ये प्रमोट करेगा पूरे बॉडी के ग्रोथ को। अगर ओवर सिक्रीशन होगा तो जिजेंटिज्म आएगा, और अंडर सिक्रीशन होगा तो डवार्फिज्म आएगा।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। इसको ये इंक्रीज करता है कि फिर से रीअब्सॉर्ब हो वाटर किडनी से। अगर ये ज्यादा ओवर सिक्रेटेड हुआ तो मोर कंसंट्रेटेड, और ये जो है कि अगर अंडर सिक्रेशन हुआ तो डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स नंबर्ड 1 to 7। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पे भी ग्लैंड दिया है, हार्मोन सिक्रेटेड और इफेक्ट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इफेक्ट हर जगह पे दिया हुआ है ना, और कहीं पे जो है कि ग्लैंड दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला है रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिज्म, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन है। और कौन सा ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियास बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन कंट्रोल करता है ब्लड शुगर, ठीक है। फिर हार्ट बीट को इंक्रीज करता है कौन, तो एड्रेनलाइन है, जो मेडन स्पीच वाले में अभी हम लोगों ने देखा। और ये प्रोड्यूस कौन करता है, तो एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ऐसा हार्मोन जो सिक्रेट हो रहा है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये प्रोड्यूस कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा थायरोक्सिन को। नेक्स्ट नाइन्थ वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस नंबर्ड 1 to 8। यहाँ पे भी ग्लैंड दिया है, सिक्रेशन दिया है, इफेक्ट बताना है बॉडी के ऊपर। तो ग्लैंड सिक्रेशन और इफेक्ट, ओवरी है जो कि सिक्रेट करेगा ऑस्ट्रोजन, और डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का बॉडी के अंदर। अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेन क्या करेंगे, ग्लूकेजन सिक्रेट करेंगे और ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा। थायराइड क्या करेगा, हाइपर सिक्रेशन होगा थायरोक्सिन का। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, हाइपर सिक्रेशन करेगा थायरोक्सिन का, और प्रोट्रूडिंग आइस करे। इफेक्ट क्या होगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट होगा आपका प्रोट्रूडिंग आइज, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, मतलब बल्जिंग आइज, ठीक है, मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो जाना टाइप से। फिर उसके बाद है एंटीरियर पिट्यूटरी, तो हाइपर सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का, और ये क्या है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं जिगांटिज्म। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप में। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप में देखो सबसे पहला बोल रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म में है आपका सबसे पहला है एंडोक्राइन सिस्टम है, हॉर्मोन्स है, और तीसरा है मेक्सोइडेमा। तो एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं, ये कंसिस्ट होता है बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का, या फिर कह सकते हो ग्लैंडुलर सेल्स का, विच एक्टिवेट ईच अदर, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, एंड वर्क एज अ सिस्टम टू ब्रिंग अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। और एक ऐसे सिस्टम की तरह काम करते हैं कि वो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी में मेंटेन करते हैं, लाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन का क्या क्या है, ये सिक्रीशन है फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स या फिर ग्लैंड। स्पेसिफिक सेल्स या स्पेसिफिक ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, विच आर कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो सारे बॉडी में जाता है थ्रू द ब्लड, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, बट एक्सर्ट देयर इफेक्ट ओनली ऑन वन और मोर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। अब जा तो रहा है ब्लड से, बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन पूरे बॉडी को प्रभावित नहीं करते हैं, ले टारगेटेड ऑर्गेन या टारगेटेड सेल्स पे ही सिर्फ अपना काम दिखाते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं। मेक्सोइडेमा क्या है, ये कंडीशन है विच ऑकर्स इन एडल्ट, एडल्ट में ये कंडीशन होती है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन विच द पर्सन बिकम्स स्लगिश विद स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड। अब इस कंडीशन में होता क्या है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसकी वजह से सूज जाता है हाथ पांव। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड, मैनर ऑफ सिक्रेशन के बेस पेस को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो किस तरह से सिक्रेट होता है, तो सिक्रेट सिक्रेशन होता है कैरेट थ्रू स्पेशल डक्ट। स्पेशल डक्ट होते हैं जो सिक्रेट करते हैं इस हार्मोन को, इसमें से हार्मोन को। और यहाँ पे जो है ना, ये सिक्रेशन क्या होता है, पोल डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये फर्क है। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से और मोड ऑफ एक्शन, दो पॉइंट दिए हुए हैं।
केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं नेचर में, जबकि हार्मोन जो है पेप्टाइड्स होते हैं, एमाइन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं सेल्स में और अपना एक्टिविटी वहां दिखाते हैं। हार्मोन जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं टारगेटेड सेल या ऑर्गेन को, टिश्यू को, सिस्टम को। ये प्रोड्यूस होते हैं किसी भी एक जगह पे और एक्टिविटी वगैरह जो है दूसरी जगह पे दिखाते हैं, मतलब सोर्स से अलग जगह पे। डिफरेंस बिटवीन नर्वस सेल्स कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट। नर्वस कंट्रोल की बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकली ये जो है जाता है एंड केमिकली अक्रॉस साइनेप्सिस। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो ये केमिकली ब्लड के थ्रू जाता है, ट्रांसमिट होता है। नर्वस कंट्रोल तो ये इफेक्ट करता है शॉर्ट लाइफ, और ये लॉन्ग टर्म हार्मोनल कंट्रोल जो है कि इसका इफेक्ट जो है कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग लास्टिंग दोनों हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, कॉज और सिम्टम के हिसाब से। डायबिटीज मेलिटस होता है जब इनसफिशियंट सिक्रेशन होगा इंसुलिन का, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस कब होगा, जब इनसफिशियंट सिक्रेशन होगा एंटी डायरियोटिक हार्मोन यानी ADH का। डायबिटीज मेलिटस में होता क्या है, हाई कंसेंट्रेशन होता है शुगर का ब्लड में, और डायबिटीज इंसिपिडस का में क्या होता है कि कोई नो शुगर इन यूरिन। डिफरेंस बिटवीन एडिसन डिसीज एंड कुशिंग सिंड्रोम, कॉज एंड शुगर लेवल। एडिसन डिसीज क्या है, कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिजोन, और कुशिंग सिंड्रोम कब होता है, जब हाइपर सिक्रेशन होता है कॉर्टिजोन का। ठीक है, ये हाइपोसिक्रेशन है, ये हाइपर सिक्रेशन है। एडिसन डिसीज में होता क्या है, लो ब्लड शुगर लेवल होता है, और इसमें कुशिंग सिंड्रोम में हाई ब्लड शुगर लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन, रीजन देना है। एड्रेनालाइन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, तो एड्रेनालाइन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट प्रिपेयर द बॉडी, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है टू मीट एनी इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी सिचुएशन से वो मीट कर सके, फाइट करने के लिए, डेंजर फेस करने के लिए, और फ्लाइट एंड रन अवे फ्रॉम इट, या फिर वहां से भागने के लिए। मोर एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड विच मेक्स द हार्ट बीट फास्टर, इससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, एड्रेनालाइन ज्यादा सिक्रेट होता है तो सांस तेज चलने लगती है। ये रिलीज करता है ज्यादा ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम और फुलफिल करता है जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन है उसको ये नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। सी वाला है, पीपल लिविंग इन लो हिमालयन हिली रीजन ऑफन सफर फ्रॉम गोइटर। लो हिमालयन हिली रीजन में, ऐसे क्षेत्र में जो लो हिमालयन का क्षेत्र है वहां पे जो लोग रहते हैं वो अक्सर सफर करते हैं गोइटर से। ऐसा क्यों है, बिकॉज आयोडीन इज डिफिशियंट इन सॉयल, क्योंकि आयोडीन ज्यादा मात्रा में नहीं होता मिट्टी में, और इसीलिए जो वहाँ पे फूड वगैरह जो ग्रो होता है उसमें भी नहीं मिलता है। आयोडीन ही प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, इनसफिशियंट आयोडीन प्रोड्यूस करता है, लेक्स कम थायरोक्सिन, जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। सिंपल ग्वाइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट इन फूड, अगर सिंपल ग्वाइटर है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करके खाने में। आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन होता है, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इन प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, हेंस इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करें फूड में ताकि आप गोइटर से बच सकें। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऑल हार्मोन्स आर केमिकल सिग्नल, कि जितने भी हार्मोन है एक तरह के केमिकल सिग्नल है, यस और नो जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर क्या है कि केमिकली हार्मोन्स कैसे होते हैं, पेप्टाइड्स, एमाइन्स और स्टेरॉइड्स होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित रखते हैं मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर। दे कैन ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस के टाइम पे ये क्या कर सकते हैं कि केमिकल चेंज ला सकते हैं बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। देयरफॉर हार्मोन कैन बी टर्म्ड एज केमिकल मैसेंजर, तो हार्मोन को कहा जा सकता है कि हाँ ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर हैं। अब है स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन स्केल टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिख रहा होगा लीवर, इंसुलिन, पैनक्रियाज, ग्लूकेजन,
इस डायग्राम को स्टडी करना है और बताना है नेम द सेल ऑफ पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूस ग्लूकेजन और इंसुलिन। तो ग्लूकेजन अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरेंस प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन की बात करें तो ये बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरेंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ ग्लूकेजन ग्लूकेजन और इंसुलिन। तो इंसुलिन की बात करें तो ये मेंटेन करता है लेवल ऑफ ग्लूकोज, शुगर का लेवल मेंटेन करेगा ब्लड के अंदर इंसुलिन। और ग्लूकेजन क्या करता है, ये रेज करता है ब्लड ग्लूकोज को, और कैसे रेज करता है, स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लीवर। व्हाई इज द पैनक्रियाज रिफर टू एज एन एक्सो इंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को क्यों कहा जाता है एक्सो इंडोक्राइन ग्लैंड। एंड इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये एक वो ग्लैंड होता है विच डज नॉट पोर इट्स सिक्रेशन इन टू अ डक्ट, जो अपना सिक्रेशन डक्ट में नहीं डालता। वाइल एन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये वो ग्लैंड होता है जो पोर करता है अपना सिक्रेशन डायरेक्टली इन टू द डक्ट। बिकॉज द पैनक्रियाज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन सच एज इंसुलिन ग्लूकेजन एंड सोमाटोस्टेटिन डायरेक्टली इन टू द ब्लड एंड नॉट इन टू द डक्ट। इट्स फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका फंक्शन कैसा है, एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सिक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन वाया अ डक्ट, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए एक डक्ट के थ्रू। तो इट फंक्शंस एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, इसीलिए हम लोग पैनक्रियास को एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है सिक्रेशन जो है ब्लड में नहीं डालता बल्कि एक डक्ट के थ्रू डालता है इसीलिए। नेक्स्ट है, व्हाई इज इंसुलिन नॉट गिवन ओरली बट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। टैबलेट की तरह ओरली नहीं दिया जाता, ये बॉडी में इंजेक्ट क्यों किया जाता है। इंसुलिन को इसलिए ऐसा नहीं दिया जाता है बिकॉज डाइजेस्टिव जूसेस डिग्रेड इंसुलिन, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, जो बॉडी के अंदर है मेटाबॉलिज्म में, वो क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा इंसुलिन को, एंड दस इंसुलिन जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली दिया जाता है। वॉट इज टेक्निकल टर्म फॉर द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूस एंडोक्राइन हार्मोन। टेक्निकल टर्म उस सेल को क्या दिया गया है जो पैनक्रियाज के सेल हैं और प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन, तो उनको कहा गया है आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। वेयर इन द बॉडी इज द पैनक्रियाज लोकेटेड, पैनक्रियाज कहाँ लोकेटेड है बॉडी में, तो ये लोकेटेड है इन एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। क्वेश्चन नंबर टू है, गिवन बिलो इज अ पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी शोइंग सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर इन वेंट्रल, यानी फ्रंट व्यू के हिसाब से आपको ये दिख रहा है सामने, ये पोर्शन है कहाँ। तो ये तो दिख ही रही है, ये गर्दन की हड्डी है जो सीधी जा रही है। वेयर इज दिस पोर्शन लोकेटेड, तो दिस पोर्शन इज लोकेटेड इन द नेक रीजन अबव द स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर ये गर्दन का हिस्सा है। नेम द स्ट्रक्चर नंबर वन, ये नंबर वन स्ट्रक्चर जो है लैरिंग्स है यही, और ये जो नंबर टू है ये आपका थायराइड ग्लैंड है, और नंबर थ्री ये जो दिख रहा है आपका ये ट्रैकिया है। स्टेट वन मेन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर, तो तीनों तीन स्ट्रक्चर है, तीनों का फंक्शन बताना है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है जिसमें वोकल कॉर्ड होते हैं और इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, जो एसेंशियल हार्मोन है, बहुत जरूरी हार्मोन है। ट्रैकिया ये विंड पाइप होता है जो कि हेल्प करता है एयर के पासेज में, है ना, फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाइल ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है कि एयर का पासेज होता है सांस लेने के टाइम पे। इज देयर एनी डक्ट, क्या कोई डक्ट है टू कैरी द सिक्रेशन फ्रॉम द स्ट्रक्चर नंबर टू। नंबर टू जो है वहां से थायराइड ग्लैंड से वहां से कोई डक्ट है क्या लेके जाने के लिए सिक्रेशन, इफ सो गिव इट्स नेम। ये स्ट्रक्चर टू थायराइड ग्लैंड है, तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये डक्टलेस है और पोर करता है सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, गिवन बिलो इज द आउटलाइन डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ये कि ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है शोइंग पोजीशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेन। ऑर्गेन का देखो यहाँ पे पोजीशन दिखाया हुआ है ना, सर्टेन पोजीशन ऑर्गेन का, 1 2 3 और यहाँ पे 4। नेम द पार्ट नंबर्ड 1 2 4, ये सबसे ऊपर ये पी साइज का आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, ये गर्दन में थायराइड ग्लैंड, और ये आपका तीसरे नंबर पे ये पैनक्रियास है, और चौथे नंबर पे इसके टॉप पे और यहाँ पे क्या है एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन टू ऑल दिस पार्ट इन रिगार्ड टू द नेचर ऑफ फंक्शन।
फंक्शन करने के हिसाब से इन सब पार्ट्स में से एक से चार में क्या चीज कॉमन है? कॉमन ये है कि दे सिक्रेट एसेंशियल हार्मोन एंड पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब डक्टलेस हैं ये, डायरेक्टली ब्लड में ही ये सिक्रेट करते हैं अपना सिक्रेशन। नेम द न्यूट्रिएंट एलिमेंट व्हिच इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ पार्ट टू। पार्ट टू कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। इसके लिए क्या होना चाहिए? थायरोक्सिन होना चाहिए, और आयोडीन एक एसेंशियल एलिमेंट है ताकि नॉर्मल वर्किंग हो सके थायरोक्सिन का। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर टू डायग्राम। दो डायग्राम यहाँ दिए हुए हैं, वन इज करेक्ट एंड द अदर वन इज समवॉट इनकरेक्ट। एक सही है और दूसरा किसी हिसाब से इनकरेक्ट है। शोइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है सोर्स से लेके, यानी कि अपने ग्लैंड से लेके टारगेटेड ऑर्गेन या सेल तक दिखा रहा है। दिख रहा है टारगेटेड सेल, यहाँ पे ग्लैंड है, यहाँ पे सेल इन ग्लैंड है, हार्मोन है, और यहाँ पे टारगेटेड सेल है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को देखना है और बताना है विच वन हैज द एरर ए और बी। तो देखो ये जो ए वाला है ना, ये ए वाले में एरर है। अब कैसे है, व्हाट इज द एरर, एरर कैसे पता चला? हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड जो ए में दिखा रहा है, वो मूव कर रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, दिख रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड द टारगेटेड ऑर्गेन, डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गेन की तरफ। बट एक्चुअली द हार्मोन पोर्ड इन टू द ब्लड स्ट्रीम में हैव वन और मोर टारगेट साइट एट अ टाइम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा हो उसके लिए सिर्फ एक ही टारगेट ना हो, एक से ज्यादा भी टारगेट हो सकते हैं। तो द एरोज शोन आर कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द पार्ट बाई द ब्लड एंड देयर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट। तो जाता तो चारों तरफ है लेकिन उसका इफेक्ट वहीं मिलेगा जहां पे टारगेटेड है। तो इसीलिए यही दिक्कत थी ए वाले में, कि ए वाले में सिंगल डायरेक्शन दिखा रहा है। फिर उसके बाद है एफ वाला, थिंक एंड कनेक्ट। कंपेयर द हार्मोनल रिस्पॉन्स विद द नर्वस रिस्पॉन्स। हार्मोनल रिस्पॉन्स को नर्वस रिस्पॉन्स के साथ कंपेयर करना है, स्पीड के हिसाब से, ट्रांसमिशन के हिसाब से, और जनरल नेचर और जो बदलाव आते हैं उसके द्वारा, उसके वजह हिसाब से आपको इसमें डिस्टिंग्विश करना था। तो हार्मोनल रिस्पॉन्स और नर्वस रिस्पॉन्स की बात करें, हार्मोनल रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे दिखता है हार्मोनल कैरेक्टर, जबकि नर्वस रिस्पॉन्स कैसा होता है, बिल्कुल इमीडिएट होता है। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स होता है, ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में नर्व फाइबर के थ्रू। तो ये बहुत ही ज्यादा इमीडिएट भी होता है इसी वजह से। हार्मोनल रिस्पॉन्स की बात करें तो स्पेसिफिक केमिकल चेंज लेके आता है बॉडी के अंदर और ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है कोई केमिकल चेंज नहीं लाता है मेटाबॉलिज्म में। मेंशन थ्री इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द एक्शन ऑफ हार्मोन एंड दैट ऑफ नर्व इन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। तीन डिफरेंसेस बताने हैं एक्शन ऑफ हार्मोन के बीच में और नर्व्स जो हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म में उनके बीच में। एक्शन ऑफ हार्मोन, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है बाय द प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस। इसको किसी तरह से मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब इस पे काबू नहीं चलेगा। एक्शन ऑफ नर्व इसको मॉडिफाई कर सकते हो प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस है। इफेक्ट जो हार्मोन का होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है या फिर कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। नर्व का रिस्पॉन्स जो है हमेशा छोटा होता है, कम होता है। इफेक्ट हार्मोन का जो होता है वाइड स्प्रेड होता है, पूरे बॉडी में फैलता है। ये शो करते हैं इफेक्ट एक या एक से ज्यादा टारगेटेड साइट पे एक ही टाइम पे, जबकि नर्व का जो रिस्पॉन्स होता है ये पर्टिकुलर ग्लैंड्स के लिए होता है। तो ये एंड था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगा, आप क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर सकते हैं और आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख भी सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।